नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, खुद मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। फिल्म शूटर पर बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे निर्माता, सोमवार को हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। सीनियर आईएएस खेम का एक बार फिर से सुर्खियों में, रिलीज होने वाली है खेम का पर लिखी गई किताब। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत भवन परिसर में विकास कार्यों की सौगात देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। यह बजट सभी वर्गों का साझा बजट होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार बजट से प्रभावित होने वाले वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। यह बजट सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह हरियाणा के इतिहास का पहला बजट होगा जिसे कोई मुख्यमंत्री पेश करेगा। सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन पर ही उनका फोकस होगा। इसमें एक सुशिक्षित और सुरक्षित समाज का निर्माण होगा। सीएम ने कहा कि वर्ष 2020 को हरियाणा में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गांव संदोली के नजदीक सड़क के किनारे खड़े ट्रक के पीछे बाइक टकराने से दो नाबालिग सहित तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात 9:30 बजे की बताई जा रही है। तीनों युवक एक ही गांव संदोली के थे। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव से पिहोवा शहर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही तीनों युवक गांव से निकले, सड़क के किनारे खड़े ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने करनाल आगमन पर पंचायत भवन परिसर से करीब 13,26,00,000 रुपए के 12 विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 1,72,00,000 रुपए की लागत से तैयार दो सड़कों का उद्घाटन और 10 तीर्थों के नवीनीकरण व सौंदर्यकरण कार्यों का शिलान्यास शामिल है। बता दें कि इन विकास कार्यों पर 11,54,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। आज करनाल जिले के कुछ शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हैं, वो भी मैंने अभी किए हैं। इससे पूर्व विवेकानंद स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था, बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा और उसमें मैं होके आया हूँ। अभी नीलोखेड़ी में वहाँ पर एक लवकुश छात्रावास, लवकुश भवन करके उस कार्यक्रम में मुझे जाना है। हरियाणा के जींद जिले में चालान से बचने के लिए एक बाइक सवार द्वारा पुलिस कर्मी को सीधे टक्कर मारने का मामला सामने आया है। जींद सामान्य बीएस स्टैंड के पास ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहनों को चेकिंग कर रहे थे कि अचानक जब एक बाइक सवार को रुकवाने की कोशिश की गई तो उसे रोकने की बजाय पुलिस कर्मी को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में सोनू नाम के पुलिस कर्मी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक जांच के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर ट्रैफिक के SHO चरणजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। तो बाइक को एक साइड वो खड़ा था, डिवाइडरी साइड वो था, मेवा का साइड था, मिठाई वाले की साइड। एक बाइक आई पूरी स्पीड में, स्प्लेंडर बाइक थे, दो बच्चे उसमें बैठे थे, पीछे पीली सेट पहने हुए था वो, और उसको हाथ दिया उस बाइक को, उस हाथ देने से पूरी स्पीड में उसको धक्का दे के चला गया, उसका सर डिवाइडर के ले गया, जिससे उसके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और वो इमरजेंसी में जींद हॉस्पिटल चलान करते हुए हादसा हुआ है। पंजाबी फिल्म शूटर पर बैन के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म के निर्माताओं ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया कि पंजाब पुलिस फिल्म की स्क्रीनिंग को प्रभावित कर रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि फिल्म के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया गया है, लिहाजा रिलीज को प्रभावित करना निर्माता के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सेंट्रल बोर्ड के पास आवेदन किया गया तो पुलिस विभाग यहां भी बोर्ड को दबाव में लेकर फिल्म को रिलीज होने से रोक रहा है। अपने तबादले के लिए चर्चा में रहने वाले हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेम का एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाले हैं। इस बार उन पर आ रही नई किताब कई राज खोल सकती है, जो 7 मार्च को रिलीज हो रही है। खेमका पर लिखी गई किताब का टाइटल है जस्ट ट्रांसफर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका। इसे दिल्ली के दो पत्रकार भवदीप कंग और नमिता काला ने लिखा है। किताब हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जा रही है। किताब से जुड़े लोगों का कहना है कि यह किताब खेमका के तबादलों के अतिरिक्त हरियाणा सरकार से जुड़े अंदरूनी राज जरूर खोलेगी। इसके अलावा किताब में खेमका के मध्य वर्ग परिवार से आईएएस तक के सफर पर भी प्रकाश डाला गया है कि कैसे
वे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करके यूपीएससी तक पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई द्वारा 2020 में भाजपा जसपा सरकार गिरा देने वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया है। विज ने तंज भरे लहजे में कहा है कि जो खुद गिरे हुए हैं वो दूसरों को क्या गिराएंगे। ये सब ख्याली पुलाव बनाकर अपने टूटे हुए संगठन को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार मजबूत है और पूरी तरह से तालमेल से 5 साल पूरे करेगी। इस दौरान विज ने नशा तस्करी पर बयान देते हुए कहा कि तस्करों की अब खैर नहीं, अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति इस धंधे में शामिल हो तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गुप्तचर विभाग लगातार पुलिस को जानकारी देता रहता है जिस पर छापेमारी की कार्रवाई करके नशा तस्करों को पकड़ा जा रहा है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहे चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।